कुरान एक पाक से अल्लाह पाक ने फरमाया उन्होंने बनात बना के मैं लज़्ज़त नहीं किया। कुरान पाक भी आयत है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बीवियों के बारे में जिहड़ियां उम्मत दियां मावां है उन्होंने बराबर कोई भी नहीं जिन्होंने अल्लाह ने हजूर की तौजीज लिए चुनिया मगर कुरान ने उन्होंने ऐलान करता। अल्लाह अकबर हुण तुहाडा मर्जी जन्नता बनता फिरे इदा जन्नत नहीं मिलती नबी दे घर। अल्लाह कुरान चाहता है 30 और 31 दो आयतां सूरा दा या निसा नबीए मैं या ते मिन कुन्ना बिफाहिशत मुबैना युज़ाफ लाला वकान ज़ालिका अल्लाह कम जाओ जिन्हों का सारी उम्र बदन हजूर ना टच होया ऐ नबी जी बीवी हो तुहाडे विचों किसी ने अगर खुलम खुला कोई गुनाह किया तो वो दुगना अजाब असी करांगे आम जिन्ना नहीं युज़ाफ लाला अजाब देन दुगना देंगे कि नबी दे कर हो के वकान ज़ालिका अल्लाह सीरा ते कोई ना आखे है नबी दी बीवियां दुगना अजाब वकान ज़ालिका अल्लाह सीरा। और अल्लाह के लिए यह बात बिल्कुल मामूली है वह नहीं जानता कि बीवियां के नहीं नूह अलैहि सलाम की बीवी से लूत की कुरान आख्या जाओ जिते दोज़ख में लोग जाते की लद खुरन नारा मदा है चलिया जाओ दोज़ख वमई या ते मिन कुन्ना वमई यकुनत मिन कुन्ना लिल्लाह व रसूल ही तामल सारे ते तुहाड़े चो जिन्हें अल्लाह रसूल का हुक्म मनिया ते काम किए नेक नौ ते अज राह मरत है वह सवाब भी दुगना क्योंकि नबी अलैहि सलाम की बीवियां जिमें रसूल उम्मत मर्दा के इमाम है औरतों के इमाम है सारा ध्यान देता नबी दे घर की हुंदा उन्हां तो दीन सिखदे फरमाया तुसीं जे चंगा काम करना है औरतों ने मगर ला क्यों करना सुन्नत होनी हो इस तो दोहरा आदर मिलना उन्हां नूं करन दा मिलना तुहानूं नाल सिखाउण दा मिलना। और इस तरह बुराई तुसीं बुरी मिसाल दित्ती लोकां के नबी दीआं बीवियां कर रहीआं सानूं की है तबाही कर दो अजाब दुगना सवाब दुगना वाह करीमा। और यहोजी नेकी करने वाली असी बहुत आड़ा इनाम तैयार किया यदा हवाला दिता वरवा बनो वरवा मुहम्मद बिन अबी उमैर अना इब्राहिम बिन अब्दुल हमीद अना अली बिन अब्दुल्लाह बिन हुसैन अना अबी अना अली बिन हुसैन ज़ैन लाबदी ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बच्चा जरा बच गया और जिदे जरिए अल्लाह ने रसूल की नसल दा दुनिया के निशान बाकी रखिया ओदी रिवायत इमाम अली इबन हुसैन ना अली मगर नेकी इन्नी की है बात इन्नी की है बे शिया सुनी सारे जैन उलाबदीन आ गए अली भावें शीए ना याद हो जैन उलाबदीन का पता जैन उलाबदीन क्यों इबादत गुजार वाली जीनत इबादत जिनी दुनिया ने करनी है इन्हों के जी असल अंगूठी है ना सोने की जो जीनत है इन्हें सज गई है सारी ये बरात अली जैन उलाबदीन मगफूर लखम एक बंदा बोलिया तुम जे रसूला दो अले बैद जे जे बख्शे बख्शाए जे काला फगाजेबा इमाम अली जैनुलाबदीन सख्त नाराज है काला नहनु अहरा एं यदरिया फी नमाज़ अल्लाह फी अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनन नकूला कमा तकूल ने क्या है जिया गल्लां करके एवें सानूं गुमराह ना करिया करो सुन ला साडे ते ओही कानून जारी होना जिहड़ा अल्लाह ने रसूला दी बीवियां दे बारे जारी कीता जिवें उन्हां दा सवाब दुगना अज़ाब दुगना इन्ना नराल मुहसिनना ज़े फैन मिन रज सानूं अपने रब तों उम्मीद है कि सर चो कोई नेकी करूगा दुनिया वेख के सैयद ज्यादा कर रहा रसूला का बच्चा कर रहा गांव भी नेक हो गए पीर मनन गए बैत करे दोहरा सवाब वाले मुसीए ना जे फैन मेन अजाब तो जे साढ़े चो किसी ने गुनाह किया तो अजाब भी दुगना होगा सुम्मा कर ला जाते हैं फिर यह दो आयतं पढ़िया इमाम ने जिड़िया मैं तो अगे अगे पढ़िया नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां यो पढ़ के आख्या क्यों धोखे देंदे सानू तो आप भी पुठे रहा।